फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर। मैं एमपी कनक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे संधि, जो हमारी अगली संधि है वो वृद्धि संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में ध्यान रखना कि जैसे वहां तो केवल एक मात्रा, लेकिन वृद्धि संधि में आपको मात्राएं कितनी दिखेगी दोस्तों? दो। यहाँ पर ए और किसकी मात्रा? औ की। और इनकी मात्राएं क्या होती है? दो होती है। देखना यहाँ पर नियम यही तो कहता है कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो? अ या आ। लेकिन द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो? ए या ऐ, कोई सा भी हो, लेकिन परिणाम क्या प्राप्त होगा? ऐ प्राप्त होगा। जैसे पुत्र धन ऐषणा। देखिए पुत्र धन ऐषणा, मैंने यहां पर लिखा पुत्र धन ऐषणा, ठीक है, पुत्र धन ऐषणा। नियम ये कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ, द्वितीय शब्द के पहले वर्ण क्या हो? ए या ऐ हो, तो इन दोनों का मेल होगा, उनके मेल से क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। यही तो नियम कहता है। अब देखिए जैसे यहां से क्या निकला? अ निकला। अ निकलते ही यहां पर बताइए क्या बच गया? पुत्र। लेकिन पुत्र में जो त्र है ये क्या है दोस्तों? हलंत वाला है, आधा है। अब जैसे इन दोनों का मिलन हुआ, बताओ मिलकर क्या बन गया? आई। अब आई की क्या लग जाएगी? यहां पर मात्राएं लगा दी मैंने दो, यहां से ए निकल गया, बताओ यहां पर शब्द बन गया क्या? पुत्रेषणा, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। जैसे शुभ धन ऐसी, ऐसे ही यहां पर अ और यहां पर क्या दोस्तों? ए। तो यहां भी शब्द क्या बन जाएगा हमारा? सुबेसी। ऐसे ही सदा धन एव, क्या बन जाएगा? सदैव। सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव। अब देखिए यहां भी क्या है? आ है, और यहां भी क्या है? ए है। जब इन दोनों का मिलन होगा तो मिलने से क्या बनेगा बताइए? क्या बनेगा? आई बनेगा। जैसे यहां से निकला तो यहां पर क्या बच गया? ये केवल आधा ये मिला, तो क्या कितनी मात्रा है? दो मात्रा है। ये यहां से निकल गया तो बताइए शब्द क्या बन गया हमारा? सदैव बन गया। क्या बन गया दोस्तों? सदैव बन गया। ऐसे ही वसुधा धन एव, क्या बन जाएगा? वसुदेव। ऐसे देव धन ऐश्वर्य, क्या बन जाएगा? देवेश्वर्य। मत धन एक्के, क्या बन जाएगा दोस्तों? मतक्के बन जाएगा। ऐसे ही शब्द बन जाएगा हमारा विचार धन एक्के, क्या बन जाएगा? विचारक के, क्या बन जाएगा दोस्तों? ऐसे हित धन ऐसी, बताओ क्या बन जाएगा? हित ऐसी, जो अपना हित चाहता है। जैसे हित धन ऐसी, हित धन ऐसी, बताओ हित धन ऐसी। अब यहां भी ए और यहां पर ए, बताओ मात्रा किस पर लगेगी? इस पर, क्योंकि यहां से निकलेगा। बताओ शब्द क्या बन जाएगा हमारा यहां पर? हितेसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? हितेसी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर बात करेंगे हम दीर्घ, जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का कौन सा नियम दोस्तों? दूसरा नियम। पहले नियम हमने देखा कि यदि अ या आ के बाद क्या है? ए या आई आए, तो उनके मिलने से क्रमशः क्या बनेगा? आई बनेगा। यहां पर अ या आ के बाद ओ या औ आए, तो बताइए क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? औ, यानी मात्राएं कितनी होगी? दो ही मात्राएं होगी। चले देखिए जल धन ओग। ओग यानी क्या होता है दोस्तों? प्रवाह। क्या होता है? ओग यानी प्रवाह। यहां पर अ है और यहां भी क्या है? अ है, या वो है। अब इनके मिलने से क्या बनेगा? प्रवाह। अब देखिए जैसे जैसे हो गया अपना, अब एक मैं बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, मैंने यहां पर लिखा बड़ाओ, बड़ाओ धन औषधि, बड़ाओ धन औषधि। क्या लिखा दोस्तों? बड़ाओ धन औषधि। देखिए नियम क्या कहता है हमारा? नियम है कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या होनी चाहिए? अ या आ। यहां पर क्या है? अ है। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो? ओ या क्या हो दोस्तों? अव हो। अब इन दोनों का मिलन होगा, इनके मिलने से क्या प्राप्त होगा? अव ही प्राप्त होगा। अब यहां प्राप्त हो गया। जैसे अब यहां प्राप्त होगा, आप देखिए बड़ाओ, यहां क्या बन जाएगा दोस्तों? बड़व। बताओ यहां पर वह क्या है? आधा। क्योंकि क्या निकल गया वहां? स्वर निकल गया। जब व्यंजन में से स्वर निकलेगा तो वह आधा बच जाएगा, अलंत वाला। लेकिन दोनों का मिलन
और मिलने से क्या अव, अव मैं अव की क्या लगाऊंगा, मात्रा, एक डंडा और मात्रा कितनी दोस्तों, ये दो मात्रा, बड़ा ओ बन गई। अव यहां से निकल गया, यहां क्या बचा दोस्तों, शदी, और शब्द बन गया कौन सा, बड़वोषधि, क्या बन गया दोस्तों, बड़वोषधि, यानी जो समुद्र की औषधि, समुद्र में मिलने वाली औषधि क्या बन जाती है दोस्तों, बड़वोषधि, बड़वा नल होता है यानी कि जो समुद्र में लगने वाली आग, तो बड़व यानी होता क्या दोस्तों, समुद्र और ये सागर यानी उसमें मिलने वाली औषधि क्या कहलाएगी, बड़वोषधि। देखिए यहां पर जल धन ओ क्या बन जाएगा, जलोग, ऐसे ही यहां पर परम धन ओजस्वी अ है, और यहां क्या है, ओ है, अ और ओ मिले बताओ क्या बन गया, औ बन गया। ऐसे ही यहां पर आ और ओ मिले क्या बन गया दोस्तों, अव बन गया, क्या बन गया शब्द, यहां पर महोज बन गया। ऐसे ही यहां पर परम धन औषधि बताओ क्या बन जाएगा, परमोषधि बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, परमोषधि बन जाएगा। तो यहां हमने बात की किसकी, वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि बहुत सीधी संधि है कि इसमें मात्राएं कितनी आती है दोस्तों, दो आती है बताइए, एक तो ये वाली, एक कौन सी, एक डंडा, और मात्राएं कितनी दोस्तों, दो। तो ये किस संधि के उदाहरण, किस संधि की पहचान, ये वृद्धि संधि की पहचान है कि मात्राएं कितनी आएगी, दो, जबकि जो गुण संधि थी उसमें बताओ मात्राएं कितनी थी, एक। लेकिन बताओ अपवाद तो इसके भी होंगे, अपवाद तो इसके भी रहेंगे, तो बात करते हैं इसके अपवाद की। देखिए ऐसे यहाँ पर वन धन औषधि क्या बन जाएगा, वन औषधि बन जाएगा। ऐसे महाधन औदार्य क्या बन गया दोस्तों, महोदार्य बन गया। महाधन औषध क्या बन गया, महौषध बन गया। और गंगाधन औदार्य क्या बन गया दोस्तों, गंगोदार्य बन गया। और दावधन औषधि क्या बन गया दोस्तों, दावोषधि बन गया। बात करते हैं इसके अपवाद की, वृद्धि संधि के अपवाद। देखिए दंत धन औष्ट, बिंब धन औष्ट। देखिए दोस्तों कि यहां पर जो दंत, दंत धन औष्ट, नियम तो ये कहता है कि यहां पर जो बनना चाहिए अ और यहां पर क्या है, ओ है, इसका मतलब यहां पर आना क्या चाहिए, दंतोष्ट आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, दंतोष्ट आ रहा है। ऐसे यहां पर बिंबोष्ट आ रहा है, और ऐसे यहां पर क्या है दोस्तों, सुकोदन, और ऐसे यहां पर कौन सा दोस्तों, सुदोदन, और यहां भी क्या गया दोस्तों, अद्रोष्ट। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखना कि यदि ओष्ट, ओदन और ओतु, एक तो ओदन, एक कौन सा दोस्तों आपका, ओष्ट, यदि ये दो शब्द आपने याद रख लिए, कौन सा दोस्तों, एक तो कौन सा, ओदन, ओदन। ठीक है, यदि औष्ट ओदन शब्द आए किसके बाद, अ या आ के बाद, तो इन संधि का जो रूप बनेगा वो कौन सा रूप बनेगा दोस्तों, गुण रूप बनेगा, यानी वृद्धि रूप नहीं बनकर क्या बनेगा, गुण रूप बनेगा। यदि ओष और वोदन जो कि दो शब्द है, यदि वह किसके पीछे आ जाए, स्वर के पीछे आ जाए, तो वहां पर जो संधि हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वहां पर ये गुण संधि हो जाएगी। और जो अपवाद हो जाएगा बताइए, अपवाद किसका हो जाएगा, वह अपवाद हो जाएगा किसका, वृद्धि संधि का अपवाद। ठीक है, तो यहां पर हमने वृद्धि संधि की बात की। अब देखिए वृद्धि संधि का भी आपको लिए नाश्ता तैयार है, वो नाश्ता देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, धन धन ऐषणा, लोक धन ऐषणा, वित्त धन ऐषणा, और सॉरी यहां पर ये नहीं आएगा। ठीक है, ये ठीक है, वित्त धन ऐषणा, ऐषणा यानी होती है दोस्तों इच्छा, है ना, विश्वधन एके, स्वधन ऐच्छिक, महाधन ऐश्वर्य, जलधन ओग, मंत्रधन औषध, जलधन औषध, जलधन औषधि। ठीक है, और भी देखिए, मंत्र धन औषधि, ज्ञान धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य, पुत्र धन ऐसी, और जनधन एके, ये किसके है दोस्तों, ये वृद्धि संधि के क्या है आपके लिए, क्या है दोस्तों, ये अभ्यास है। आप क्या करें दोस्तों, अभ्यास करें। चले आगे बात, तो यहां पर हमने बात की दीर्घ संधि, वृद्धि दीर्घ संधि की, और गुण संधि की, वृद्धि संधि की। हमने अभी तक स्वर संधि के तीन भेद पढ़ लिए हैं दोस्तों, जो तीन भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इनमें दोस्तों दोनों वर्ण मिलते थे, दोनों वर्ण मिलते थे, और दोनों वर्ण को मिलने से ही नया वर्ण हमें प्राप्त होता था। एक किसमें था,
दीर्घ संधि में भी था, गुण संधि में भी था और किसमें वृद्धि संधि में भी था। लेकिन अब जो संधि आएगी, जो स्वर संधि के दो भेद है कौन सी, यण और अयादि, उनमें थोड़ा परिवर्तन है, उनमें थोड़ा जो नियम में परिवर्तन है वो मैं आपको बताऊं कि इसमें दोनों वर्णों के मिलने से ही परिवर्तन नहीं होता, उसमें थोड़ा परिवर्तन अलग से होता है। वो कैसे होता है ये आपको जानने के लिए हम बात करेंगे इसकी अगली क्लास में, किसकी, यण संधि और अयादि संधि की जो हम बात करने वाले दोस्तों, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद और जय भारत।